अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, मनीषा कोइराला और ऐश्वर्या राय को लेकर बन रही फिल्म हिंदुस्तान की कसम की शूटिंग इन दिनों मुंबई में चल रही है। यह फिल्म अजय देवगन की होम प्रोडक्शन है और उनके पिता वीरू देवगन पहली बार एक निर्देशक के तौर पर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कसम एक दोस्ती पे पिक्चर है जो अभी तक दो देशों के बीच में लोगों ने दुश्मनी की बात कही है, हमने कोशिश की है कि दोस्ती की बात करके देखो। नफरत से तो हर आदमी आगे नफरत देता, प्यार से शायद प्यार मिल जाए। लगभग 30 सालों से एक स्टंट डायरेक्टर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वीरू देवगन कई फिल्में भी बना चुके हैं, लेकिन यह फिल्म उनकी एक महत्वाकांक्षा है। इसे न सिर्फ अत्याधुनिक तरीके से फिल्माया जा रहा है बल्कि एक्शन दृश्यों को प्रभावी बनाने के लिए हॉलीवुड के स्टंट मास्टर नॉर्मन केंट का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा बड़े सितारों की फौज तो है ही। अजय एक राइटर का रोल है, इंडियन हिंदुस्तानी मिलिट्री में भी रह चुका है और मिलिट्री से फिर रिटायर हो जाता है, मतलब उसकी आईसाइट की वजह से, और एक बाद में राइटर बन जाता है। और अमित जी एक ऐसा करेक्टर है कबीरा जैसे के बोल्ड आदमी है, सुभाष चंद्र बोस से लेकर उन्होंने मतलब उनकी मिलिट्री में भी काम किया, फिर इंडियन मिलिट्री में भी किया, फिर उसके बाद आज एक ऐसा बोल्ड करेक्टर है कि जो देखता है वो बोलता है, किसी की परवाह नहीं करता कि ये मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। फिल्म के संगीत पक्ष को भी उतनी ही सतर्कता से लिया जा रहा है, जिसे तैयार कर रहे हैं छैया छैया के लोकप्रिय गायक सुखविंदर। इस फिल्म के मई तक रिलीज होने की संभावना है। यह तभी जाहिर होगा कि इन सारी चीजों का मिलन क्या रंग लाता है।